कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। पंचकलनक प्रतिष्ठा में अब सही रोल हमारा चालू हो रहा है, क्योंकि अब है तप का काम। कल्प गर्भ और जन्म की खुशियां मनाने का काम आपका था, क्योंकि राग में भगवान आ रहे थे। और आज से हम लोगों का काम चालू होता है, क्योंकि वैराग्य में भगवान बढ़ रहे हैं। राग से वैराग्य की यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। तो कहते हैं मुनि संग, एक दिन देर से आए तो चलेगा, दो दिन देर से आए तो चलेगा, तीन दिन देर से आए तो चलेगा, लेकिन तप कल्याणक पे मुनि ना हो तो बिल्कुल पंचनाक चल ही नहीं सकता। आज पतित से पावन नरसे नारायण, त्रियंच से तीर्थंकर की जो यात्रा होती है वह तप के माध्यम से होती है। जीवन में तप का बहुत महत्व है। बिना तपे कोई वस्तु मूल्यवान नहीं होती। आप गृहस्थ में देखो, गन्ने लगे रहते हैं, गन्ने का रस निकलता है, लेकिन जब तक गन्ने का रस कड़ाई में तपता नहीं है, गुड़ नहीं बनता है, तब तक उसका कोई खरीदार नहीं आता है। क्यों? रस गन्ने का वही है, लेकिन जब तक वह कड़ाई में तपा नहीं, तप के कुंदन बना नहीं, तब तक कोई उसको खरीदार नहीं आता है। सुनार के यहां से सोना लेते हो, सोना बिस्किट में मिलता है, उसको ले सकते हो लेकिन पहन नहीं सकते। लेकिन उसी सोने को तपाया जाता है, गलाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, तो लोग महंगी कीमत पर भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह गले का श्रृंगार बनने वाला है। तप कल्याणक के माध्यम से इंसान अपने जीवन को सफल और सार्थक कर देता है। जीवन में जब कोई तपता है तो दूसरों को पतन से बचा सकता है। आज सूरज तपता है तो जाकर हमें रोशनी मिलती है, यदि सूरज ना तपे तो हमें जीवन अंधकार में बीत जाए, हमारा जीवन अंधकार में बीत जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। साधुओं के बारे में चर्चा तो बहुत लोग कर लेते हैं कि साधु ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, लेकिन मैं सोचता हूं चर्चा करने वाले कभी साधु की चर्या में आकर तो देखो, जितनी चर्चा करते हो ना, चार दिन को घर छोड़ के कपड़े में ही बिना जूते चप्पल पहन के मात्र कुर्ते पजामे में 5 दिन महाराज के साथ विहार तो करो, तो मालूम चल जाएगा कि मुनिचर्या होती क्या है। घर बैठे चर्चा करना बहुत आसान है, घर बैठे बोलना बहुत आसान है, लेकिन संत बन के जीवन को जीना बहुत कठिन है। यदि संत बनना आसान होता तो इस भारत देश में महज 1 करोड़ से ज्यादा जैनियों में 1500 साधु ना होते, और उन 1500 में से 500 ही दिगंबर हैं, 600 ही दिगंबर हैं, पूरे 1500 दिगंबर संत भी नहीं है, साधु मुनि महाराज। सोचो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान की मूर्ति विराजमान करना बहुत सरल है, घर से कुछ द्रव्य का दान दिया, मूर्ति प्रदाता बन गए। आपसे कोई कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं,
अपने बालक बालिका को महाराज माताजी बना दो, कितने लोग तैयार है? वो तो कहेंगे 5 लाख मुझसे ले जाओ, लेकिन कभी यहां लेने बताना, क्योंकि तप करना बहुत कठिन है। और यदि तप करना आसान होता तो मंडप पे साधु संत ही साधु संत होते। चर्चा करना बहुत सरल है। जिनागम में 12 तप बताए गए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। जो बहिरंग तप होते हैं उसमें एक व्रत परिसंख्यान नाम का तप होता है। जब मुनि महाराज आहार को निकलते हैं, या यूं कहना चाहिए जब मुनि महाराज प्राचीन काल में आहार को निकलते थे, तो उस समय लोग क्या करते थे पता? वैसे आहारचर्या का विशेष वर्णन कल बताऊंगा मैं आपको। घर के बाहर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु चालू हो जाते थे, क्योंकि उस समय का श्रावक घर घर में शुद्ध भोजन करता था, तो उसको जरूरत ही नहीं थी कि चौका लगाना है कि चौका बनाना है। जब मैं आहार लेता हूं, आहार के बाद एक भजन बहुत प्रसिद्ध है जो लोग गाते हैं, मुनिवर आज मेरी। सारे झूठ बोलते हैं, झूठ के पुलंदे हैं। मंदिर के चौके में आहार चल रहा है, मुनिराज आज मेरी कुटिया में आए हैं। जिस दिन तुम्हारे घर पे आहार हो उस दिन कहना कि आज कुटिया में आए हैं। एक काहे की कुटिया, ये तो हमारी कुटिया है, संत निवास है। संत निवास महाराज के रहने का स्थान है, यहां तुम्हारा तो और छोर ही नहीं है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, कोई बात नहीं, आज यहां को कुटिया मान रहे हो, कल भाव बना के अपने घर की कुटिया में जरूर बुलाना। तपस्या, संतों की तपस्या, संतों की क्रिया, संतों की चर्या, इनको देखने के लिए आपको अपनी ये आंखें नहीं चाहिए, इनकी चर्या क्रिया को देखने के लिए आपको अपने हृदय की आंखें खोलना पड़ेंगी। जब आप अपने हृदय की आंखें खोलोगे तो आपको मालूम चलेगा कि संतों की चर्या क्या होती है, संतों की तपस्या क्या होती है, संतों की क्रिया क्या होती है। आज तक चर्चा करना सरल है, वैसा करता वैसा करता है, लेकिन चर्या में लाना बहुत कठिन है। ठंड चल रही है, आदमी कहता कि इनर पेन के अभिषेक करने की छूट दोगे तो अभिषेक करूंगा। चर्चा करने बहुत लोग आते हैं, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भाई, तूने मंदिर में गीजर लगा रखा है, कितना असंख्यात पाप का बंद कर रहा है, और उससे नहा के भगवान का अभिषेक कर रहे हो। कहां जाओगे, कहां पहुंचोगे? संसार, तपस्वियों को देखकर, तपस्वियों को देखकर उनकी निंदा नहीं बल्कि अपनी आत्मनिंदा करो, पाप भीरु बनो, तब जाके कल्याण होगा। नहीं तो ध्यान रखना कि संत तो अपना कल्याण कर लेंगे। आज आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, या कोई भी साधु समाधिस्थ हुआ है तो अंत समय उनके कान में क्या सुनाया जा रहा था बताइए मुझे, क्या सुनाया जाता है? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार? कुछ भी नहीं, सारे शास्त्रों का सार नमोकार महामंत्र। अंत समय में समाधि से साधु को नमोकार मंत्र ही सुनाया जाता है और कुछ भी नहीं। नमोकार मंत्र आपके जीवन में कब आएगा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं उन महाराज को नहीं मानता, मैं उस मुनि को नहीं मानता, तो उससे मैं विशेष संदेश देना चाहता हूं कि जब तुम बोलो ना नमो लोए सब साहुणम, तो फलाने मुनि को छोड़कर। ऐसा कितने लोग बोलते हैं, जब आपने नमो लोए सब साहुणम बोल दिया तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपका नमस्कार हो गया। तो हे दुर्बुद्धि जीव, हे अज्ञानी जीव, जब तेरे सामने नमोकार मंत्र सित परमेश्वरी सामने आ रहे हैं और तेरे हाथ नहीं जुड़ रहे तो क्या होगा? भ्रमण करते हैं संत, जब भ्रमण करते हैं तो नगर में जैनों की दुकान पड़ती है, कई दुकान पे लगा रहता है महावीर वस्त्र भंडार, आदिनाथ भोजनालय। तो मैं सोचता हूं, हे भगवान महावीर स्वामी, पूरा जीवन जिनने निर्वस्त्र निकाल दिया उनके नाम से रेडीमेड के कपड़े बिक रहे हैं, टेरीकॉट के कपड़े बिक रहे हैं, महावीर वस्त्रालय। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके खोल तो रहा है। तो बताना चाह रहा हूं कि दुकान के सामने हम लोग भ्रमण कर रहे थे, एक दुकान के सामने जहां लिखा था पारसनाथ ज्वेलर्स, वर्धमान ज्वेलर्स, आदिनाथ ज्वेलर्स, वहां से संघ निकल रहा था।
उस व्यक्ति को मैं जानता भी था, बाजे गाजे से लोग ले जा रहे थे, दुकान पे भीड़ बहुत थी, दुकान के नौकर ने कहा महाराज जी आए हैं। अरे उसने कहा भीड़ बहुत है महाराज जी, लौट के भी तो यहीं से जाएंगे, महाराज जी अभी आए हैं, जैसे मथुरा आए हैं तो रास्ते में कोसी पड़ा पलवल पड़ा तो सोचता है कोई बात नहीं लौट के भी तो जाएंगे। तो नौकर बोला सही बात है भीड़ बहुत है, और अपने काम में लगा रहा। उस दिन बंदे ने हाथ भी नहीं जोड़े, बैठे बैठे कुर्सी पे अपना बचकलदार में लगा हुआ था। जैसे ही बाद में संग निकला तो नौकर ने बोला महाराज जी आ गए। अरे बोले अगली कॉलोनी तो जाएंगे, अभी अक्षय तृतीया दिन चला, दुकान में भीड़ बहुत है। अगली बार जब महाराज जी निकले तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर नौकर को कोई बोल, नौकर किसी को बोलने वाला नहीं था, क्योंकि जब 2 साल बाद महाराज आए, जब उसकी फोटो पे माला टंग चुकी थी तो उसको कोई बोलने वाला भी नहीं था कि महाराज निकल रहे आके खड़े हो जा। जीवन का पुण्य है, भगवान को भगवान मानने वाले दिगंबर संत होते हैं, क्योंकि सूर्य मंत्र ना हो जब तक प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं होती। और ये तो भला हो, आचार्यों की वाणी को आप कम से कम इतना तो समझते हो कि मुनि के बिना पंचराग नहीं होगा, नहीं तो यहां के लोग बोलते काय को महाराज चाहिए, हम ही थोड़े धोती दुपट्टे लगाते हैं और सारा काम हम ही कर देते हैं। समझिए तप के महत्व को, जानिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में तप करता है वह तप का उल्टा करो तो क्या बनता है? तप का उल्टा क्या होता है? पत होता है। कि पत जो अपने जीवन में तप करता है वह पतन से बच जाता है, और जो अपने जीवन में तप नहीं करता उसके जीवन का पतन निश्चित है। नोट तो बहुत सारे जेब में, लेकिन जिस नोट में गवर्नर का शाइन है वही नोट काम का है। उसी प्रकार से संसार में बहुत सारे संत हैं, लेकिन जिस पर भगवान महावीर की मुद्रा है वही संत सर्व पूजनीय है, सर्व वंदनीय है, सबके लिए आराधनीय है। कुछ दिनों पूर्व देश के जिस संत अचर्षी विद्यासागर जी महाराज का समाधि प्रारंभ हुआ, जैन समाज के लिए बड़े संत थे। आपको बताऊं अभी भी जब वह बात मगज में आती है तो शरीर में कैसी उदासी बन छा जाता है। लेकिन आपको यह बात भी पता होगा कि भारत देश में पहली बार किसी संत की समाधि के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक मनाया है। आज तक अन्यत्र संत में दिगंबर संत के अलावा कहीं पर भी नहीं हुए। जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि किसी दिगंबर संत के लिए आज तक कभी आपने किसी अन्य संप्रदाय के संत के लिए नहीं सुना हो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भारत देश यदि चल रहा है तो दिगंबर संतों की, भगवान महावीर स्वामी की त्याग तपस्या से चल रहा है। बीच में मैं कहीं पर बैठा था, एक व्यक्ति आया, वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता था। उसने कहा कि महाराज जी एक शिकायत है। हम बोले बोलिए। और जब कोई आता ना कि एक शिकायत है तो हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ दुखड़ा जरूर है, क्योंकि जीवन में ध्यान रखना सफल होना है तो शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करो तो जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन आज का इंसान भगवान के पास में भी आ रहा है तो शिकायत लेकर आ रहा है। आज तक कितनी बार भगवान के पास में गए हो जब जाकर यह बोला है कि हे भगवान मेरे पास सब कुछ है? यह बोलने कोई नहीं जाता, जब भी जाता है जब कुछ मांगने ही जाता है। पहले शादी नहीं हो रही, फिर बच्चा नहीं हो रहा, फिर बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन के बाद में नौकरी नहीं निकल रही, और नौकरी के बाद में फिर उसकी शादी नहीं हो रही, ये जीवन का खत्म हो जाता है सारा का सारा। बोले शिकायत है। मैंने कहा भाई कहो। बोले आपके जैन समाज के लोग सूरज को क्यों नहीं मानते? सूर्य देवताओं को। मैंने पूछा क्यों? मतलब बोले जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को मैंने सूर्य नमस्कार करते नहीं देखा, जैन समाज के किसी व्यक्ति को मैंने सूरज के सामने जल चढ़ाते हुए नहीं देखा। प्रश्न बड़ा पेचीदा है, उत्तर देना भी जरूरी है। तो मैंने उसको कहा कि जितना हम सूरज को मानते हैं उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं मान सकता, विश्व में कोई नहीं मान सकता। बोले कैसे? मैंने कहा जैन धर्म के लोग
जब तक सूरज नहीं निकलता जब तक भोजन नहीं करते, और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में भोजन का त्याग कर देते हैं। इससे ज्यादा सूरज को कौन मानेगा, इससे ज्यादा सूर्य को कौन मानेगा? तो ध्यान रखना, जैनी हो, अभी ताली तो सबने पीट दी, ताली तो सबने बड़ी पीट दी, तो ध्यान रखना कि सूरज को सबसे ज्यादा कौन मानता है? जैन धर्म के लोग कि सूर्यास्त के बाद भोजन छोड़ देते हैं और सूर्योदय के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा हमारा जैन धर्म है। जहां पर यदि है तो मात्र तप है, त्याग है, तपस्या है और कुछ भी नहीं है। ऐसे आज भगवान का तप कलक महोत्सव है, जहां पर भगवान के तप की अनुमोदना करने स्वर्गों से लोकांतिक देव आएंगे, ब्रह्म तो कहां कहां से देव आएंगे, और उसके बाद में सब कुछ करेंगे, लेकिन जब भगवान की पालकी उठाई जाएगी तो कौन उठाएगा? देव की मनुष्य कौन उठाएगा? मनुष्य उठाएंगे। क्यों? सूर्य का नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, ये देवों में भी संयम नहीं है। तो आपको संयम मिला है, जीवन मिला है, तो आज तप कलिणा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तप का भाव बनाना है। अरे जो 80 साल के लोग हैं जिनके दांत से चबता नहीं है, वो कम से कम इतना तो नियम ले लो कि खड़ी चीजें नहीं खाऊंगा, इतना ले लो तो भी पुण्य मिल जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते हो तो। एक बार तप कलिणा का महोत्सव चल रहा था, मैंने कहा ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पिएंगी, 5-6 खड़ी हो गई। मैंने कहा ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगी, 5-6 महिलाएं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा बहन जी इसका मतलब आज तक पीते थे? मैंने कहा कितने लोग, कितनी महिलाएं नियम लेंगी कि आज की बात शराब नहीं पियूंगी, सिगरेट नहीं पियूंगी, 5-7 खड़ी हो गई। तो मैंने कहा आज से क्या? बोले आज से आजीवन सिगरेट का, बड़ी सिगरेट का, तंबाकू का, शराब का त्याग है। तो मैंने कहा इसका मतलब आज तक पीते थे? बोले कभी हाथ नहीं लगाया तो त्याग भी तो नहीं है, तो कम से कम जो चीज उपयोग में नहीं है, उपभोग में नहीं, उसका त्याग तो करो, त्याग का पुण्य तो मिलेगा। तो जो भी है तप करने से ही जीवन का, तप करने से जीव महान बनता है। तप करें, त्याग करें और अपना मनुष्य जीवन सफल करें, यही मंगल सुभावना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम।